दयोदय महासंघ की जो गौशाला है उसके अंदर मैं खड़ा हूँ। मेरे सामने तीन गाय हैं, गौ माता की दुर्दशा आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो आगे की गाय है इसकी उम्र बहुत कम है, पीछे की गाय है वो वृद्ध है। समझ में भी आता है कि अब मरणासन्न अवस्था में कुछ ज़्यादा दिन नहीं जी है, तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं है किसी को, लेकिन जो नई गाय है नहीं उसकी पीड़ा हमें देखी नहीं जाती, क्योंकि ये नगर द्वारा छोड़ी गई गायें हैं जो पॉलीथिन खाई हुई आती हैं, उनके पेट में पॉलीथिन पचती नहीं है तो ये भोजन नहीं ग्रहण करती हैं और कुछ समय बाद पीड़ा से, भयंकर पीड़ा से व्याकुल होती हुई इनकी मृत्यु होती है। इसलिए मैं तो एक ही सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें, और बिल्कुल ना करें तो बहुत अच्छी बात है, पॉलीथीन बाहर ना फेंकें ये और अच्छी बात है, और अगर पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाए तो पर्यावरण और हमारी गौ माता की सुरक्षा ठीक ढंग से हो सकती है। इस दिशा में हम युवा वर्ग और हमारे देशवासी गौ माता को बचाने की मुहिम में कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।